दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मानसून के मौसम से पहले जल भराव की समस्या को लेकर सतर्क है। अभी से ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 211 जल भराव वाले हॉटस्पॉट को लिस्ट बना ली है। दिल्ली के मानसून से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सतर्क है, क्योंकि बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में जल भराव की काफ़ी समस्या रहती है। हालांकि अब दिल्ली यातायात पुलिस ने 211 जल भराव वाली जगहों की पहचान की है और इसके लिए सभी संबंधित नागरिक एजेंसियों, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम MCD, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को भी जानकारी दे दी है, जिसमें कहा गया है कि बारिश से पहले ही कुछ नालों की सफाई हो और ऐसी जगह समय होते ठीक कर दी जाए। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल के 147 स्थानों में से 132 जल भराव वाले स्थान PWD के अधीन है। अधिकारियों ने कहा कि कई इलाकों में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और पहला फेज 15 जून तक पूरा हो जाएगा। इस बार हमने 15 महत्वपूर्ण स्थानों को भी पहचान की है, जहां लगभग 7.5 लाख मीटर की क्षमता वाले भूमिगत सम्प और 500 से अधिक के साथ स्थायी पंप हाउस हैं। PWD के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तुरंत पानी छोड़ने के लिए हॉर्स पावर का निर्माण किया जा रहा है। विभाग द्वारा अधिक पानी के नालों का भी निर्माण किया जा रहा है, जो प्रति घंटे 60 लाख लीटर पानी निकालने की क्षमता रखेगा। इसके साथ ही अधिक जल निकासी के लिए राजपुर अंडरपास WHO बिल्डिंग के सामने IP एस्टेट जखीरा फ्लाईओवर के नीचे जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन लोनी रोड राउंड अबाउट आजादपुर मार्केट अंडरपास सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा सभी जिला मजिस्ट्रेट जल भराव के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमने इस साल के शुरुआत में अपनी मानसून की तैयारी शुरू कर दी है। सभी इंजीनियरों और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। PWD मंत्री मनीष सिसोदिया ने पहले ही विभाग को 31 मई तक साफ सफाई और कीचड़ निकालने का काम पूरा करने का निर्देश दिया था और कहा था कि लापरवाही के मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी तक सिर्फ 40% काम ही पूरा हुआ है। शहर के 57 बड़े नालों को देख रेख करने वाले सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 85% कीचड़ निकालने का काम पूरा हो चुका है और बाकी अगले 2 हफ्तों में कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।